अच्छा स्क्रीन शेयर हुआ है ना हेलो ओके देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट क्या है कंसाइनमेंट सेल करने का एक दूसरा तरीका है ठीक है जैसे हम लोग नॉर्मल डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं नॉर्मल अगर हम लोग सेल करना चाहें डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं लेकिन इस इसमें हमारा ज्यादा कस्टमर कवर नहीं हो सकता अगर हम लोग डायरेक्टली सेल करें हम लोग मान लो अभी कहाँ पर है हम लोग मान लो अभी कोलकाता में है ठीक है तो कोलकाता में कोलकाता के सारे कस्टमर को हम लोग कवर कर सकते हैं लेकिन कोलकाता के बाहर या फिर वेस्ट बंगाल के बाहर अगर हमें सेल करना है तो फिर हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा या तो हमें वहां जाके अपना एक नया ब्रांच खोल लेना है तो वहां से हम लोग सेल कर सकते नया आउटले बना लेना है उससे सेल कर सकते बट ये क्या होता है ना ये एक्सपेंसिव होता है फिर से एक नया पूरा ब्रांच बनाओ वहाँ पर किसी को अपॉइंट करो वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स लगाओ ठीक है चाहे जितना भी छोटा तुम ब्रांच ओपन करो ना क्यों तुम्हारा वहां पर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खर्चा आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर हमें इसके अलावा भी एक ऑप्शन मिलता है कि हम लोग ब्रांच ओपन ना करके नया आउटलेट नहीं बना के भी अगर हम लोग सेल कर पाए ठीक है तो ये तरीका जो है दैट इज कंसाइनमेंट होता है कैसे सेल कर सकते हैं हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली वहां पर कोई ब्रांच ओपन ना करके या फिर डायरेक्टली मान लो कोलकाता के बाहर मान लेते हैं मुझे दिल्ली में सेल करना है ठीक है और दिल्ली में मुझे जो सेल करना है वो दिल्ली का मेरा कुछ कस्टमर है उस, उन लोगों को मेरा प्रोडक्ट पसंद है हम सेल करते हैं तो इससे हम ज्यादा कस्टमर को नहीं मतलब कवर कर सकते बट अगर हम ब्रांच बना लेते हैं तो हो सकता है ज्यादा कस्टमर को कवर कर ले दिल्ली में दो चार जगह ब्रांच बना लेते हैं लेकिन उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाएगा मेरे बिजनेस के लिए लेकिन फिर भी अगर मुझे मतलब एक जगह पे लिमिटेड नहीं रहना है जैसे कि कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगा वो चाहेगा कि उसका सेल मतलब मोर देन एक जगह पे हो तो वो क्या कर सकता है अपना खर्चा कम करके भी दूसरे जगह के कस्टमर को वो कवर कर पाएगा कैसे बिहार एजेंट ठीक है वो किसी भी मान लो दिल्ली में हम लोग अगर किसी एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए ठीक है किसी भी एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं आउटले या फिर मान लो ब्रांच ओपन करने का जो खर्चा है उसे अवॉइड करके भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसे आराम से सेल कर सकते हैं ठीक है तो ये जो सेल करने का जो अप्रोच है इसे हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट ठीक है यहाँ पर मतलब किसी के बिहाफ में सेल कर देना मतलब एजेंट का, का काम क्या है एजेंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में सपोज कोलकाता में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्रोडक्ट ये दिल्ली में सेल कर देगा एजेंट सेल कर देगा और इससे भी हम लोग कस्टमर तक पहुंच सकते हैं अलग-अलग जगह के कस्टमर के पास दैट इज कंसाइनमेंट ठीक है अब कंसाइनमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है दो पार्टी इन्वॉल्व होता है जो गुड्स भेज रहा है कोलकाता से गुड्स जा रहा है तो जो गुड्स भेज रहा है उन्हें हम लोग बोलेंगे कंसाइनर ठीक है उन्हें बोला जाता है कंसाइनर और जिसको भेजा जा रहा है ठीक है जिसको भेजा जा रहा है उसे बोला जाता है कंसाइनी भेजा जाता है उसे बोला जा रहा है कंसाइनी तो इन दोनों के अंदर जो रिलेशन होता है सपोज कोलकाता से मिस्टर ए ठीक है कोलकाता से मिस्टर ए दिल्ली का जो एजेंट है मिस्टर बी को भेज रहा है गुड्स ठीक है बेचने के लिए तो बेसिकली सबसे पहले कंसाइनमेंट क्या हो गया कंसाइनमेंट का मतलब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ठीक है थीके? एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन का ठीक है ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स का और ये जो पहला पर्सन है यानी मिस्टर ए के बिहाब में मिस्टर बी को क्या करना है गुड्स सेल करना है तो ये जो सेल करने का तरीका है इसे ही हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट ठीक है तो यहाँ पर कंसाइनर कौन हो गया मिस्टर ए कंसाइनी कौन हो गया मिस्टर बी ठीक है अब इन दोनों के अंदर जो लीगल रिलेशनशिप है ना इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ठीक है इसे बोला जाएगा प्रिंसिपल मिस्टर ए को प्रिंसिपल बोलेंगे और मिस्टर बी को बोल देंगे एजेंट ठीक है मिस्टर ए हो जाएगा प्रिंसिपल मिस्टर बी हो जाएगा एजेंट लेकिन अगर मान लो हम लोग कोलकाता से दिल्ली अगर हम लोग कोलकाता से दिल्ली या फिर मिस्टर ए ही ले लेते जो नाम हम लोगों ने लिया है मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड सेल ना करके सपोज मिस्टर ए है ये कंसाइनर ठीक है मिस्टर बी को ना सेल करके सपोज यहाँ पर कुछ कस्टमर्स को उन्होंने देख रखा है मतलब कस्टमर के साथ लिंक है उन लोग को डायरेक्ट सेल कर रहा है ठीक है डायरेक्ट सेल कर रहा है जैसे कि पहले कर रहा था लेकिन उतना ज्यादा कस्टमर को नहीं कवर कर पा रहा था थ्रू एजेंट के थ्रू से वो ज्यादा कस्टमर को कवर कर पाएगा

जाएंगे सेलर ठीक है मिस्टर ए हो जाएंगे सेलर और ये हो जाएंगे बायर ठीक है ये हो जाएंगे बायर हम लोग कंसाइनमेंट के साथ साथ हम लोग क्या सीख रहे हैं कंसाइनमेंट और सेल का डिफरेंस भी सीख रहे हैं ठीक है थीके? तो ये देखो ये जैसे इस केस में ये कंसाइनर ये कंसाइनी इसे प्रिंसिपल इसे एजेंट बोलेंगे लेकिन इस केस में ये सेलर और ये हो जाएंगे बायर और इसे हम लोग अकाउंट्स में और एक चीज भी बोल सकते हैं दैट इज क्रेडिटर एंड डेटर ठीक है क्रेडिटर एंड डेटर का रिलेशन होता है सेलर और बायर के अंदर ठीक है सेलर ये सेलर होगा ठीक है सेलर और बायर इन दोनों के अंदर क्रेडिटर डेटर का रिलेशन होता है अब यहाँ पर जब सेल चल रहा था यहाँ पर जब सेल चल रहा था तो गुड्स का जो पॉजिशन है ना पॉजिशन ऑफ गुड्स बता सकते हो किसके पास रहेगा पॉजिशन ऑफ गुड्स किसके पास रहेगा मतलब पॉजिशन position... हाँ बताओ

हाँ ये कंसाइन consign, कंसाइनमेंट में मिस्टर बी के पास रहेगा लेकिन इस केस में क्या होगा जब सेलर बायर वाला केस होगा तो पोजीशन ऑफ गुड्स किसके पास होगा जिनको सेल कर दिया है अगर हम लोग कस्टमर है मिस्टर ए के और हम लोगों ने मिस्टर ए से गुड्स खरीद लिया है तो पोजीशन हमारे पास ही रहता है जब हम लोग कोई भी नॉर्मल हम लोग सबको ही ये सेल बाई वाला ही कंडीशन करते हैं तुम लोग जाते हो मान लो किसी भी दुकान में जा रहे हो कॉपी खरीद रहे हो तुम लोग पेन खरीद रहे हो मोबाइल खरीद रहे हो कुछ भी चॉकलेट बिस्किट जो भी खरीद रहे हो तो पोजीशन तुम लोगों का ही होगा ना तो जो कस्टमर है उसी के पास पोजीशन आ जाता है चाहे क्रेडिट सेल हो चाहे कैश सेल हो बट इस केस में इस केस में पोजीशन किसके पास रहेगा इस केस में पोजीशन जो होता है पोजीशन ऑफ गुड्स यहाँ पर जो जिसका गुड्स है उसके पास नहीं रहता अगर कोलकाता में पोजीशन रहेगा तो फिर बेचेगा कैसे पोजीशन ऑफ गुड्स किसके पास ट्रांसफर हो जाता है मिस्टर बी के पास ट्रांसफर किया जाता है ठीक है मिस्टर बी को इसका राइट्स है कि वो गुड्स का पोजीशन ले सके उसके बाद मिस्टर बी कस्टमर को सेल करेगा तो यहाँ पर पॉजिशन ऑफ द गुड्स जो है वो क्या होता है मिस्टर बी के पास रहता है यहाँ पर कस्टमर के पास पॉजिशन ऑफ द गुड्स हो जाता है जैसे ही सेल ऑकर होता है पॉजिशन ऑफ गुड्स और इसमें कस्टमर के पास और एक चीज भी ट्रांसफर हो जाता है उसके साथ-साथ ओनरशिप ठीक है जैसे ही तुम लोग एक पेन खरीद लिए दुकान से चाहे उसे कैश में खरीदो क्रेडिट में खरीदो ओनरशिप तुम्हारा हो गया अब वो पेन दुकानदार तुमसे वापस थोड़ी ले सकता है ओनरशिप तुम्हारा हो गया दुकानदार की कोई भी नहीं ले सकता है तुम्हारा उसका ओनरशिप हो जाता है लेकिन ये मिस्टर बी को मिस्टर ए ने दिया है गुड्स बेचने के लिए ठीक है किस लिए दिया है कि मेरे बिहार में तुम गुड्स बेचो ठीक है लेकिन इसके लिए इसके पास ओनरशिप जेनरेट नहीं होगा ओनरशिप कभी भी नहीं आएगा ओनरशिप तो उन लोगों के पास चला जाएगा जिन लोगों को मिस्टर बी सेल करेगा तो मिस्टर बी के पास कभी भी ओनरशिप नहीं जा सकता है That's okay. it. मिस्टर बी के पास कभी ओनरशिप नहीं जा सकता है ठीक है ओनरशिप उसी के पास जाएगा जो कस्टमर होगा तो मिस्टर बी के पास क्या रहेगा ओनली पोजिशन ऑफ द गुड्स बट नॉट कोई बट नॉट ओनरशिप ओनरशिप ठीक है कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा ठीक है इसीलिए अगर अगर मान लो तुम लोग एक फोन खरीद के लेके जा रहे हो ठीक है फोन खरीद रहे हो दुकान में मिस्टर ए मान लो फोन बेचता है फोन खरीद लिया ठीक है पैसा देके फोन खरीद लिया या फिर क्रेडिट में ही खरीदा आधा पैसा दिया आधा मतलब क्रेडिट कर लिया कैसा भी कंडीशन हो अगर जाते जाते हाथ से फोन गिर गया तुम्हारे पास से और वो फोन टूट गया तो बताओ अब क्या होगा नया फोन जो टूट गया क्या मिस्टर ए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा या फिर तुम लोग खुद हो गए मतलब ये कस्टमर मान लो इसके पास से फोन गिर गया ठीक है इसके पास से फोन गिर गया तो फिर इसका जो लॉस है ये किसको बेयर करना पड़ेगा खरीदा हुआ फोन गिर गया तो जिसका ओनरशिप है उसी को लॉस लॉस बेयर करना पड़ेगा ठीक है तो अगर आफ्टर सेल कोई भी लॉस होता है ठीक है आफ्टर सेल अगर कोई भी लॉस होता है तो रिस्क किसको जाएगा कस्टमर को जाएगा ठीक है रिस्क कस्टमर को जाएगा लेकिन मिस्टर बी और मिस्टर ए का कंसाइनमेंट केस में अगर देखो कि अगर मान लो मिस्टर ए ने गुड्स भेजा है मिस्टर बी को कि तुम मेरे बिहाफ में सेल कर दो अब मान लो बहुत सारा फोन भेजा था सेल करने के लिए लेकिन एक आधा फोन टूट गया है हो सकता है मिस्टर बी के पास पहुंचने के बाद टूटा है या फिर इन ट्रांजिट में ही टूट गया है तो रिस्क किसका है मिस्टर ए का है मतलब उसका लॉस किसे बेयर करना पड़ेगा मिस्टर ए को या मिस्टर बी को क्या लगता है किसे बेयर करना चाहिए हमेशा बियर किसे करना चाहिए जिसका ओनरशिप होता है ठीक है जिसका ओनरशिप होता है ये सिर्फ एजेंट का काम करेगा अब काम करते हुए टूट फूट हो सकता है लेकिन टूट फूट होने से जो लॉस होगा अब दो तरह का लॉस होता है नॉर्मल भी होता है अब नॉर्मल भी वो भी बता रहे लेकिन लॉस होगा तो फिर किसे उसे आ, मतलब बियर करना पड़ेगा जो ओनर है लॉस हमेशा जो ओनर है उसे ही बियर करना पड़ता है ठीक है लॉस हमेशा ओनर बियर करेगा कोई और नहीं बियर करेगा तो यहाँ पर अगर कोई भी लॉस होगा तो लॉस बियर्स बाई कंसाइनर ठीक है लॉस जो है वो कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा कंसाइनी नहीं बियर करेगा बिकॉज ओनरशिप जिसका है लॉस भी उसी को मतलब लॉस भी उसी को रिकवर करना पड़ेगा ठीक है इसमें कंसाइनी कोई भी लॉस नहीं लेगा तो उसके बाद देखो और एक चीज भी होगा यहाँ पर कंसाइनी को क्या करना पड़ेगा उसे हमेशा जैसे ही सेल होगा एक टाइम बेसिस पे ठीक है जैसे कि मान लो ये क्या आ गया ठीक है छोड़ो तो देखो क्या होगा यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि जो टाइम बेसिस पे मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली मिस्टर ए को डिटेल्स देना पड़ेगा कि कितना मैंने सेल किया है सिमिलरली मिस्टर ए जब मिस्टर बी को गुड्स भेज रहा है तो उसे भी एक नोट डाउन करके तो भेजना पड़ेगा कि हम इतना इतना गुड्स भेज रहे हैं मैंने दस मोबाइल भेजा है या फिर मैंने दस मोबाइल भेजा है या पंद्रह मोबाइल भेजा है कितना करके एक एक मोबाइल का कॉस्ट है आपको कितने में सेल करना है ये सारा डिटेल्स मिस्टर ए को लिख के मिस्टर बी को भेजना पड़ेगा तो मिस्टर ए मिस्टर बी को जिस फॉर्मेट में इसे भेजेगा बोला जाता प्रोफोर्मा इन वॉयस ठीक है प्रोफोर्मा इन बोला जाता है, Invoice, बोला जाता है और मिस्टर बी मिस्टर बी हर बार एक टाइम बेसिस पे मिस्टर ए को इन्फॉर्म करते रहेगा कि मैंने इतना सेल करवा दिया है आपका ठीक है इतना कैश सेल करवाया इतना क्रेडिट सेल करवाया तो मिस्टर बी जिस तरह से इन्फॉर्म करेगा जिस फॉर्मेट में उस फॉर्मेट का जो नाम है उसे बोला जाता है सेल्स इन ठीक है उसे बोला जाएगा सेल्स इन वॉयस सॉरी अकाउंट सेल्स ठीक है अकाउंट सेल्स बोलते हैं बिल बनाना होता है तो बिल तो मिस्टर ए बनाएगा और अकाउंट सेल्स बोला जाएगा जहां पर इस ये क्या करेगा डेटर का सारा इंफॉर्मेशन भेजेगा मिस्टर ए को ठीक है तो कंसाइनर और कंसाइनी में इस तरह का होता है कंडीशन और जैसे अगर हम लोग नॉर्मल सेल करते हैं तो उसमें इस तरह का कंडीशन होता है तो मेन जो भी पॉइंट है एक बार फिर से बोल देते हैं देखो जब हम लोग डायरेक्ट सेल को छोड़ के किसी के में किसी के थ्रू से जब सेल करवाते हैं ठीक है थीके, कोई हमारे भी आप में सेल कर रहा है तो इसे हम लोग कंसाइनमेंट सेल बोलेंगे जहां पर दो पार्टी इन्वॉल्व होगा एक तो गुड्स भेजेगा दूसरा गुड्स रिसीव करेगा जो गुड्स भेजेगा वो हो जाएगा कंसाइनर, जो गुड्स रिसीव करेगा उसे बोला जाता है कंसाइनी ठीक है और कंसाइनर कंसाइनी के अंदर रिलेशन जो क्रिएट होता है दैट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है गुड्स को सिर्फ रखने का अधिकार है मिस्टर बी को यानी कंसाइनी को पोजीशन है गुड्स रखने का पोजीशन मिला हुआ है बट ओनरशिप नहीं मिला है ओनरशिप तो उसी लोगों को ट्रांसफर होगा जो गुड्स खरीदेगा तो ओनरशिप हमेशा जो है वो बायर के पास चला जाता है इनके पास सिर्फ पॉजिशन रहेगा ये एजेंट के तरह काम करेंगे अब ये एजेंट को मिलेगा क्या वो भी एक बात है कि ये क्यों कर रहा है इसके भी में काम एजेंट को मिलेगा कमीशन ठीक है एजेंट को मिलेगा कमीशन और कमीशन कौन पे करेगा मिस्टर ए यानी कंसाइनर कंसाइनी को कमीशन पे करेगा और अगर कुछ भी आ, मतलब लॉस होता है इस पूरे ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का अगर प्रोडक्ट रिलेटेड लॉस हो जाता है या फिर किसी भी तरह का लॉस हो तो उसका जो आ, मतलब लॉस जो बियर करना पड़ेगा वो मिस्टर ए को करना पड़ेगा क्योंकि उनका ही पूरा गुड्स था इन्होंने बोला कि आप मेरे एजेंट बन जाओ या फिर अगर आप एजेंट का, का काम करते हो मेरा भी गुड्स भेज दो तो एजेंट बोलेगा सिर्फ सेल करना मेरा काम है बाकी कुछ लॉस वगैरह हुआ वो मेरा देखने का काम नहीं है ठीक है और मिस्टर ए और कस्टमर अगर मिस्टर ए डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है जो नॉर्मल सेल अभी तक तुम लोग करते आ रहे हो उसमें क्या होता है सेलर बायर का रिलेशन होता है या फिर क्रेडिटर डेटर का रिलेशन होता है बोल सकते हैं ऑफ द गुड्स हमेशा कस्टमर को ट्रांसफर होता है ओनरशिप ऑफ द गुड्स हमेशा कस्टमर को ट्रांसफर होता है रिस्क भी आफ्टर सेल कस्टमर के पास ही रह जाएगा अगर हम लोग खरीदने के बाद हमसे कुछ भी टूट फूट हो जाता है तो उसमें हमें कोई भी रिकवरी नहीं मिलेगा जब हम लोग परचेस कर लेते ओनरशिप हमारा है तो लॉस भी हमारा ही होगा और यहाँ पर और एक चीज जो हम लोगों ने देखा कि मिस्टर ए को हमेशा प्रोफोर्मा इन्वॉइस के अंदर डिटेल्स के साथ लिख के भेजना है कि कितने गुड्स भेजा भेज रहा है और जो मिस्टर बी है इनको क्या करना है थ्रू अकाउंट सेल्स ठीक है इनको यहाँ पर इन्फॉर्म करते जाना है कि हमेशा की कितना कितना सेल हुआ है या फिर कुछ लॉस हुआ है या नहीं हुआ है सारा डिटेल्स डेटर्स रिलेटेड डिटेल्स गुड्स रिलेटेड डिटेल्स कितना बिका कितना क्लोजिंग स्टॉक में रह गया सारा चीज यहाँ पर इनको सेंड करते रहना है दैट इज अकाउंट सेल्स अच्छा अब हम लोग क्योंकि कंसाइनमेंट पढ़ेंगे तो कंसाइनमेंट में क्या क्या होगा देखो कंसाइनर क्या क्या खर्चा करेगा यहां पर लिख दिया मैंने कंसाइनर और यहाँ पर लिख दिया कंसाइन तो देखो कंसाइनर क्या क्या खर्चा करेगा कंसाइनर तो पहले जो गुड्स सेंड करेगा उसका खर्चा मतलब उसे गुड्स खरीदना पड़ेगा अगर मैन्युफैक्चर करता है तो बनाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेंट ठीक है इसका क्या क्या खर्चा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सेंट जो गुड्सेंट कर रहा है उसका कॉस्ट कॉस्ट ठीक है या और उसके साथ रिलेटेड जैसे मान लो कैरेज हो गया ठीक है 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 गुड्स भेज रहा रहा ना दूसरे जगह पे कोलकाता से दिल्ली जा रहा है, तो कैरेज हो जाएगा लोडिंग चार्जेस हो सकता है ठीक है लोडिंग चार्जेस हो सकता है और मान लो इन ट्रांजिट में उसने इंश्योरेंस करवा के रखा है कि बाई चांस अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए इन ट्रांजिट मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस करवा के रखा है तो इंश्योरेंस चार्ज हो सकता है ठीक है और और क्या खर्चा हो सकता है और भी बहुत तरह का खर्चा हो सकता है जिसमें और एक तो नाम देखो फ्रेट हो सकता है पैकिंग हो सकता है ठीक है फ्रेट हो सकता है पैकिंग हो सकता है इस तरह का खर्चा हो सकता है ठीक है इस तरह का खर्चा उसे करना पड़ेगा अगर उसे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है और भी हो सकता है नॉर्मल मैंने ये सारा चीज लिखा है ठीक है तो कंसाइनी को भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है ऐसा नहीं कि कंसाइनी को खर्चा नहीं करना पड़ेगा कंसाइनी क्या क्या खर्चा करेगा कंसाइनी गुड्स को अनलोड करवाने का खर्चा करेगा अनलोडिंग चार्जेस ठीक है अनलोडिंग चार्जेस दे देगा अगर उसने एक मतलब एजेंट है तो क्या हुआ उसको तो कहीं पर गोडाउन वगैरह रखना पड़ेगा ना जहां पर वो गुड्स को स्टॉक करेगा तभी तो वो बेच पाएगा दैट इज गोडाउन रेंट गोडाउन रेंट ठीक है वेयर हाउस चार्जेस मान लो उसे वेयर हाउस चार्जेस देना पड़ा ठीक है वेयर हाउस चार्जेस हो सकता है अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा अनलोडिंग हो गया अनपै मतलब अनपैक करवाने का खर्चा भी हो सकता है या फिर इंश्योरेंस इसको भी देना पड़ सकता है सपोज इंश्योरेंस इसे भी देना पड़ सकता है इसने मान लो गोडाउन में जब भी गुड्स रखता है उसका पूरा इंश्योरेंस करवा के रखा है अगर कभी भी गोडाउन में आग आग लग जाए तो उससे उसका, उसका क्लेम मिल जाए ठीक है इस तरह का खर्चा कंसाइनी गंसायन, कंसाइनी को करना पड़ सकता है ऑफिस का खर्चा करना पड़ सकता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ठीक है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा करना पड़ सकता है या फिर मान लो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्योंकि सेल करवाना है एजेंट है तो फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी तो करना पड़ेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करना पड़ सकता है अच्छा क्लियरिंग चार्जेस क्लियर करवाना पड़ता है ना गुड्स को तो क्लियरिंग चार्जेस देना पड़ सकता है तो ये सब खर्चा हो सकता है कि जो कंसाइनी को करना पड़े ठीक है कंसाइनी को करना पड़ेगा ये सारा खर्चा लेकिन कंसाइनी एक बार तो जरूर खर्चा करेगा बट ये बिजनेस जो है ना ये मिस्टर ए का है यहाँ पर कंसाइनर कौन है मिस्टर ए हमारे स्टोरी के हिसाब से और ये मिस्टर बी है तो मिस्टर ए को ये खर्चा मिस्टर बी को बाद में रिमबर्स करना पड़ेगा मतलब एक बार तो कंसाइन ही कर देगा सारा खर्चा ठीक है लेकिन एजेंट जो है एजेंट का सारा का सारा खर्चा जो मिस्टर ए के लिए इस एजेंट ने किया होगा वो सारा खर्चा वो लिख के भेजेगा उस ये वाला जो था ना ये अकाउंट सेल इसमें सारा खर्चा वो लिख के भेजेगा कि मुझे ये ये पेमेंट भी आपसे मिलने वाला है ठीक है तो कंसाइनर को क्या करना पड़ेगा अपना जो खर्चा है ये तो पे करना ही पड़ेगा एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई कंसाइनी ये भी खर्चा उसे देना पड़ेगा ठीक है ऑल एक्सपेंसेस इनकट बाय कंसाइनी ये भी खर्चा उसे देना पड़ेगा ठीक है तो कंसाइनर और कंसाइनी का देखो कंसाइनर को तो एक खर्चा तो करना ही है सबसे पहले ये पूरा खर्चा करना है नहीं तो गुड्स तो पहुंचा ही नहीं सकता है दुस... जगह तक ठीक है अब उसके बाद वहां पर क्योंकि देखो वहां अनलोडिंग चार्जेस होगा ये तो देने जाएगा नहीं ये बोलेगा एक बार आप कर दो हम आपको दे देंगे तो ये इतना सारा खर्चा एजेंट एजेंट को भी भी पता है कि मुझे मुझे अगर एज काम करते रहना है, तो मुझे भी अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा लेकिन मुझे तो मिल जाएगा वापस इसको टेंशन नहीं है ये बोलेगा कि मैंने ये सब खर्चा करवाया आपका गुड्स बेचने के लिए आप मुझे दे दो तो फिर मिस्टर ए को देखो यहाँ पर अलग से मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि उसे ऑल इनकट बाई कंसाइनी उसे देना पड़ेगा ठीक है अब जब हम लोग एंट्री मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ना तो फिर देखो क्या होगा कंसाइनर को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा कंसाइनर को ये देखना पड़ेगा कि उसे कंसाइनमेंट के थ्रू से बिजनेस करके प्रॉफिट है या फिर लॉस है उसे चेक करने के लिए उसे जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स नहीं बना के हम लोग बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट ठीक है

और मिस्टर बी से इसको क्या क्या मिलेगा ठीक है जैसे मिस्टर बी ये सारा खर्चा करेगा उसी तरह से मिस्टर बी जो सेल का जो आ, मतलब आ, पैसा आएगा ना सेल का जो डिटेल्स आएगा वो इसे रिमबर्स करेगा जो कि इसका इनकम होगा ठीक है ये एक्सपेंस का पैसा मिस्टर ए से कंसाइनी ले लेगा ले मिस्टर बी ले लेगा ठीक ले है और ये सेल का पैसा उसे वापस कर देगा और ये जो एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ पर शो करेंगे दिस अकाउंट में कंसाइनी अकाउंट में कंसाइनर वो चेक करेगा कि मिस्टर बी को कितना पेमेंट करना और मिस्टर बी से कितना मिलेगा ठीक है यहाँ पर और एक कंसर्ट भी आता है कभी कभी हो सकता है कि मिस्टर ए आ, मतलब थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा है इतना सारा गुड्स मिस्टर बी को भेजने के लिए हो सकता है मिस्टर बी ये सारा गुड्स लेके अगर भाग जाए ठीक है दिल्ली में कहा ढूंढने जाएगा उसे ठीक है कहीं पर भी ढूंढना मुश्किल अगर कोई आदमी फ्रॉड हो भाग जाए तो क्या कर सकता है तो फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कंसाइनर यानी यहाँ पर मिस्टर ए ए मिस्टर बोल देगा कि आप मिस्टर बी को बोलेगा हम आपको एजेंट अपॉइंट कर रहे

क्यों करेगा क्योंकि उसका काम ही एज ए एजेंट की तरह काम करना अब एजेंट की तरह काम करना है फ्लेक्सीबिल अगर सच में सही दे दिया एडवांस है, अभी एडवांस का हिसाब देखेगा कि मैंने तो पहले से, ही मिस्टर से तीन रखा था तो मुझे किस तरह से करना पड़ेगा, वो भी बोलते है, या फिर कभी कभी पे बिल्स भी ड्रॉ कर सकता है ठीक है मतलब कंसाइनी बोल सकता है कि हम अभी पैसा तो नहीं दे पा रहे लेकिन आप मेरे पे बिल्स ड्रॉ कर लो ठीक है उसके बाद जब हम आपका गुड्स बिकवा देंगे आप मेरे साथ उसका एडजस्टमेंट कर लेना तो एडवांस दे सकता है कंसाइनी कंसाइनर को या फिर बिल्स जो है वो ड्रॉ कर सकता है कंसाइनर कंसाइनी पे फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ठीक है तो ये वाला पॉइंट हमारा ध्यान रखने वाला है अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पर कंसाइनी जब अपना गुड्स बेच रहा है हम लोग का गुड्स बेच दे रहा है ठीक है तो तब क्या हो सकता है कि कुछ गुड्स ना बिका हो जैसे हम लोग ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते उसी तरह से हो सकता है कि कुछ गुड्स ना बिका हो कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रह गया हो लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक तो मिस्टर बी का नहीं है क्योंकि बिजनेस तो तो उसका है ही नहीं मिस्टर तो ए को क्या करना पड़ेगा अपना क्लोजिंग स्टॉक को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट के थ्रू से जो सेल चल रहा है उसमें क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना बना हुआ है जैसे ओपनिंग स्टॉक हो सकता है ठीक है जो गुड्स भेज रहे हैं परचेज जैसे ट्रेडिंग में हम लोग टू परचेज लिखते हैं ना उसकी जगह क्या हो जाएगा टू गुड्सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम लोग गुड्स भेज रहे हैं कंसाइनमेंट के थ्रू से कैरेज हो सकता है लोडिंग हो सकता है ठीक है कैरेज हो सकता है लोडिंग हो सकता है अब यहाँ पर क्या होगा मिस्टर ए मिस्टर ए को देखना पड़ेगा कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है अब ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का रूल्स क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का रूल्स ये होगा कि मैंने कितना गुड्स भेजा था और उस उसपे ये खर्चा जो भी है मुझे ऐड करना पड़ेगा जैसे तुम लोग डेप्रिशिएशन में करते हो कि ये सारा खर्चा मुझे ऐड करना है ये मेरा गुड्स के वैल्यू को बढ़ा रहा है मैंने कैरेज लगाया तो गुड्स का वैल्यू बढ़ा है लोडिंग है इंश्योरेंस है फ्रेट है ये कौन सा इंश्योरेंस ये डे टू डे वाला इंश्योरेंस नहीं है ये है सिर्फ इन ट्रांजिट वाला इंश्योरेंस कि अगर इन ट्रांजिट में कुछ भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा ये वो वाला इंश्योरेंस है तो ये सारा खर्चा गुड्स के साथ क्या हो जाएगा ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो कैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं पहले तो क्लोजिंग स्टॉक का ये मेन पॉइंट है क्वेश्चन में ठीक है क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग किस तरह से वैल्यू करेंगे तो पहले तो लिखेगा कौन करेगा वैल्यू किसका मतलब ज्यादा जरूरत है कंसाइनर का ऑब्वियसली कंसाइनी क्यों वैल्यू करेगा कंसाइनर पहले बोलेगा गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाई कंसाइनर ठीक है कि कंसाइनर बोलेगा कि मैंने किस, कितना गुड्स भेजा है तो एज ए अकाउंटेंट हम लोग लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सेंड बाय कंसाइनर अब यहाँ पर यूनिट एज वेल एज रुपीज हो सकता है ठीक है अब यूनिट नहीं रहेगा तो हम लोग यूनिट नहीं लगाएंगे फिर एड कर देंगे ऑल एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई कंसाइनर वैल्यू बढ़ जाएगा बट यूनिट थोड़ी ना इंक्रीज होगा मैंने अगर दस हजार फोन भेजा है और उसका कॉस्ट जितना आ रहा है उसमें अगर मैंने एक्सपेंस लगाया है तो उससे यूनिट नहीं बढ़ने वाला तो यूनिट के कॉलम में कुछ नहीं होगा इससे हम लोग बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट जिस तरह से हम लोग डेप्रिशिएशन में करते हैं कि सिर्फ परचेस करने का cost, cost नहीं होता है उसके साथ बाकी कॉस्ट भी ऐड किया जाता है इसीलिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट हो गया ये वाला ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पर लेस कर देंगे अगर अगर मान लो गुड्स लॉस्ट हो जाता है इन ट्रांजिट में ठीक है लेस कर देंगे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट हो सकता है कि जाते जाते कुछ गुड्स लॉस्ट हो गया है रीजन कुछ भी हो तो हमारा यूनिट भी कम हो जाएगा ठीक है या फिर हो सकता है गुड्स

क्या आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड रीच्ड द सिटी ऑफ कंसाइनिंग ठीक है कंसाइनी के सिटी में इतना ही पहुंच पाएगा अगर मिडिल में ये ऐसा कुछ भी हुआ है तो फिर अगर कंसाइनी के पास पहुंचेगा तो कंसाइनी अपना ये सारा खर्चा करेगा ठीक है लेकिन यहाँ पर हमें गुड्स के वैल्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ वही खर्चा ऐड करना पड़ेगा जो होता है नॉन रेकरिंग ठीक है इसका मतलब बता रहे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इनकट बाई कंसाइनी ठीक है यहाँ पर नॉन रेकरिंग एक्सपेंस क्यों लेना पड़ेगा बिकॉज रेकरिंग एक्सपेंस हम लोग नहीं लेंगे एक गुड्स को भेजने के लिए अब देखो नॉन रेकरिंग कौन कौन सा होता है गुड्स को सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने के लिए या फिर अपटू गो डाउन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन रेकरिंग ये सारा ही ना नॉन रेकरिंग है एक बार देखो ये कैरेज ये इंश्योरेंस ये फ्रेट एंड पैकेज क्योंकि जितना गुड्स कंसाइनर को भेजना है दस मोबाइल भेजना है तो उसके लिए तो ये वन टाइम खर्चा हो गया इसके बाद तो नहीं करना पड़ेगा ना नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार ऑकर नहीं होगा ठीक है जो बार बार ऑकर नहीं होगा वही खर्चा हमें ऐड करना पड़ता है स्टॉक के साथ क्योंकि जो बार बार होगा हम लोग कस्टमर से थोड़ी ना गोडाउन रेंट का खर्चा निकालेंगे हम लोग गुड्स में वही सारा चीज ऐड करेंगे जो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं ठीक है तो कुछ फिक्स एक्सपेंस होता है कुछ फिक्स नहीं होता है ठीक है तो ये देखो जो रेकरिंग है जैसे मान लो ये रेंट ठीक है ये गोडाउन रेंट ये रेकरिंग है ठीक है ये बार बार देना पड़ेगा मेरे गोडाउन में स्टॉक रहे या ना रहे ठीक है मुझे तो रेंट देना ही पड़ेगा मैंने रखा है या नहीं रखा है मैंने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा के रखा है तो ये मुझे स्टॉक रहे ना रहे ये तो देना ही पड़ेगा तो ये सारा चीज हम स्टॉक के साथ एड नहीं कर सकते मुझे स्टॉक के साथ सिर्फ वही सारा चीज ऐड करना है जो मेरे आ, मतलब जो मेरे गुड्स के साथ एड हो सकता है ठीक है जो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते दैट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो गुड्स के लिए वन टाइम होगा जैसे ये अनलोडिंग जो पर्टिकुलर

कंडीशन में पहुंचाने तक का खर्चा तो इससे भी हमारा यूनिट कभी नहीं बढ़ सकता है ठीक है वैल्यू बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगा खर्चा बढ़ गया ठीक है तो गुड्स का वैल्यू इतना हो जाएगा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा अगर हमारा कोई नॉर्मल लॉस हुआ है बाई चांस अगर हमारा कोई नॉर्मल लॉस हुआ है अब ये नॉर्मल लॉस क्या है वो भी बताते हैं तो सिर्फ यूनिट लेस करेंगे वैल्यू लेस नहीं करेंगे ठीक है सिर्फ यूनिट लेस करेंगे वैल्यू लेस नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अवेलेबल फॉर सेल ठीक है और ये सेल के लिए अवेलेबल है और इससे जितना भी सेल हो जाएगा वो हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ये मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक अब नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस के बारे में बताते हैं देखो व्हाट इज नॉर्मल लॉस एंड व्हाट इज एब्नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ठीक है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है जैसे अगर मान लो कोई नेफ्थोलिन भेज रहे हो ठीक है तो नेफ्थोलिन क्या होता है इवपोरेट हो जाता है जो कि नॉर्मल है इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है अगर कोई कांच के मतलब प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है तो उसमें जब हम लोग उसे सेंड करेंगे एक दो टूटेगा ही टूटेगा जो नॉर्मल है कुछ पेरिसेबल गुड्स भेज रहे हो लाइक फ्लावर हो गया फिश वगैरह हो गया तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो खराब होगा हो ही होगा जो कि नॉर्मल लॉस है जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है नॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है नॉर्मल लॉस मेनली है फॉर गुड्स इनहेरेंट नेचर ठीक है गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है बट एबनॉर्मल लॉस जो होता है ना वो सडन होता है ठीक है सडन होता है जैसे कि मान लो चोरी हो गया ठीक है चोरी हो गया ठीक है या फिर मान लो आग लग गया ठीक है या फिर मान लो कुछ और जैसे जो सडनली हो सकता है ठीक है जो आ, मतलब ये हम लोग को पहले से ही पता है कि देखो थोड़ा बहुत फ्लावर भेज रहे हैं तो थोड़ा बहुत फूल खराब होगा फिश वगैरह का, का काम हो रहा है तो फिश थोड़ा बहुत सड़ जाएगा ठीक है तो जो हमें पता है कि जो मतलब गॉड गॉड ने बनाया हम लोग का कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं है ठीक है ये अनकंट्रोलेबल है ये अनकंट्रोलेबल है ठीक है इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते बट ये कंट्रोलेबल है ठीक है ये कंट्रोलेबल है सडनली होता है बट ये कंट्रोलेबल है ठीक है तो एबनॉर्मल नॉर्मल अब ये दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है नॉर्मल जो है रिकवर फ्रॉम कस्टमर होता है ठीक है रिकवर फ्रॉम कस्टमर क्यों बता रहे हैं रिकवर फ्रॉम कस्टमर ऐसा क्यों होता है क्योंकि नॉर्मल लॉस सबका होगा ठीक है ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को होगा नॉर्मल लॉस सबको होगा इसीलिए हम लोग नॉर्मल लॉस जो है वो कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल लॉस की वजह से मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है मान लो मैंने दस मान लो मैंने दस ग्लास प्रोडक्ट भेजे थे मतलब कांच का सामान जिसका वैल्यू आ रहा था टेन इंटू 10 करके हंड्रेड यानी दस प्रोडक्ट का वैल्यू था हंड्रेड लेकिन एक मान लो दो ग्लास टूट गया ठीक है कितना बचा एट बच गया ठीक है अब मेरा पहले कॉस्टिंग कितना आ रहा था एक एक कॉस्टिंग आ रहा था दस रुपया करके ठीक है दस का दस हो रहा था दस रुप द, यूनिट इतना है टेन ठीक है टेन पीसेस का कॉस्ट टेन 10 करके हंड्रेड आ रहा था मैंने सोचा मुझे आके बेचना है इसे ठीक है जब मैंने घर पे इसे लेके आके चेक किया तो मुझे दिखा कि मेरा दो ग्लास टूट गया कि जो है जो नॉर्मल है ठीक है जो नॉर्मल है तो मेरे पास अभी बेचने के लिए ग्लास बच रहा है एट एट पीसेस ग्लास बच रहा है लेकिन मेरे पॉकेट से तो हंड्रेड रुपीस जा चुका है तो मेरा एक एक ग्लास का कॉस्टिंग अब कितना हो जा रहा है हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट कितना होगा रुपीज ट्वेल्व पॉइंट फाइव वाला है क्या? इंट हाँ, फाइव आ रहा है तो देखो मेरा कॉस्टिंग जो है रुपीज टेन के जगह रुपीज ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो गया तो क्या कस्टमर नहीं खरीदेगा खरीदेगा क्योंकि दस ग्लास लाने पे दो ग्लास टूट जाता ये है ये नॉर्मल है ये सबका होगा यानी मार्केट में जो प्राइस बनेगा ठीक है ये ग्लास बेचने का जो प्राइस बनेगा उसका कॉस्ट सभी के लिए ट्वेल्व आएगा ठीक है इसीलिए हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं अब इस पे हम प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं लेकिन मान लो मेरा चार ग्लास टूट गया ठीक है जो कि नॉर्मल नहीं है इसमें नॉर्मल दो है और एबनॉर्मल दो है यानी मेरे पास कितना ग्लास आया आठ में से और दो हटा दो कितना हो जाएगा छह पीसेस ग्लास आया ठीक है अब ये छह पीसे, पीसेस ग्लास को हम बोलेंगे मेरा सौ रुपए पॉकेट से गया इसे बेचने का कोशिश करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा प्राइस देखो सिक्सटीन पॉइंट समथिंग तो कस्टमर मेरे से नहीं लेगा ठीक है कस्टमर मेरे से नहीं लेगा नॉर्मल लॉस लॉस का जो मतलब हो रहा है उसे हम प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं यानी मुझे अगर इसको बेचना है तो मुझे ट्वेल्व पॉइंट फाइव में ही लाना पड़ेगा तो हम कैसे लाएंगे मुझे पहले दिखाना है कि ये मेरा नॉर्मल लॉस लॉस है अब जो जो हुआ दो एक्स्ट्रा मेरे से टूट गए वो मेरा गलती है ठीक है मैंने उसे ठीक तरह से हैंडल नहीं किया इसीलिए टूट गया तो इसमें क्या हुआ यहाँ पर छह लिखेंगे और ये दो ग्लास का पैसा मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो दो ग्लास का कितना हो जाएगा दस रुपए करके बीस तो यहाँ पर कितना हो गया एट्टी एट्टी डिवाइडेड बाई सिक्स कर लो तो ये समथिंग वही वाला प्राइस आ गया मतलब नॉर्मल लॉस जो है वो कस्टमर के ऊपर लगा सकते हैं कस्टमर जो प्राइस में खरीदेगा उस पर हम लोग ऐड कर सकते हैं लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस है उसे ऐड नहीं कर सकते तो जब एबनॉर्मल लॉस का बात आएगा तब हमें क्या करना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट एज वेल एज वैल्यू दोनों को ही रिड्यूस करना है जबकि हम लोग नॉर्मल लॉस जब कैलकुलेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिट लेस होगा वैल्यू लेस नहीं होगा अब वैल्यूलेस क्यों नहीं होगा क्योंकि वैल्यूलेस करेंगे इसका अगर वैल्यूलेस कर देते हमें तो तुम ये लॉस कस्टमर से रिकवर कर लो लेकिन ये जो तुम्हारे गलती के वजह से हुआ है ना इसे तुम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हो इसे तुम चाहे तो अच्छे तरह से इसे मेंटेन करते तो ये लॉस नहीं होता ठीक है कंट्रोलेबल था अनकंट्रोल

लेस कर दो बट वैल्यू को लेस मत करो मतलब यहां पर जो हम लोगों ने किया है तो यहां पर जो है ना नॉर्मल लॉस यहां पर लिख लो ओनली यूनिट लेस सिर्फ यूनिट लेस होगा बट एबनॉर्मल लॉस में क्या हो जाएगा जैसे कि गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ये एबनॉर्मल लॉस इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है कि अमाउंट एज वेल एज यूनिट लॉस हुआ अब ये यह एबनॉर्मल यहाँ पर भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि यहीं पर नॉर्मल लॉस ये जस्ट मैंने एक फॉर्मेट लिखा है जरूरी नहीं है कि एबनॉर्मल ट्रांजिट में ही हो हो सकता है कंसाइनी के पास आने के बाद भी एबनॉर्मल लॉस हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने दिखाया है ये बेसिकली एबनॉर्मल लॉस के लिए दिखा है और ये ट्रांजिट में जो है ये कोई लॉस नहीं ये अभी तक नहीं पहुंचा है नहीं पहुंचा है तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन करना है तो इसे तो लेस करना पड़ता

खर्चा करके भेज रहा है तो हमेशा उसके पॉकेट से पैसा जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग टू बैंक करेंगे क्योंकि पैसा चले जाएगा टू बैंक या टू कैश होगा लेकिन जब कंसाइनी कोई भी खर्चा करेगा ना तो कंसाइनर यहाँ कोलकाता में बैठ के दिल्ली में तो तुरंत पैसा भेजेगा नहीं ठीक है वो कंसाइनी अकाउंट को क्लोज करते हुए देखेगा कि उसे कितना पैसा भेजना है तो फिर कंसाइनी जो भी खर्चा करेगा ना कंसाइनर बोलेगा की एंट्री किस तरह से करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट में कि कंसाइनी वाला खर्चा मुझे कंसाइनी को देना है मेरा खर्चा मैंने दे दिया बट कंसाइनी का खर्चा मुझे देना है तो वो एंट्री किस तरह से करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जब कंसाइनर खुद खर्चा करेगा तो एंट्री होगा कंसाइनमेंट टू बैंक और कैश जब कंसाइनर खुद खर्चा करेगा अकाउंट तो कंसाइनर बना रहा है बट जब भी कंसाइनी कोई खर्चा करेगा तो फिर कंसाइनमेंट में तो एक्सपेंस तो हो ही रहा है क्योंकि मैंने अभी बताया ये नॉमिनल अकाउंट है तो ये ऑल एक्सपेंसेस आर आर डेबिटेड और डेबिटेड टू बैंक के जगह टू क्या कर देगा टू तो कंसाइनी इसे क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेगा कि मुझे बाद में कंसाइनी को ये पेमेंट जो है कर देना है ठीक है ये मैंने एक्सपेंस का दिखाया सिमिलरली सेल के लिए भी होगा जब कंसाइनी सेल कर रहा होगा तब तो कंसाइनर को पैसा तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा कि मुझे कंसाइनी से ये पैसा मिल जाएगा कंसाइनी टू क्या हो जाएगा कंसाइनमेंट क्योंकि कंसाइनमेंट में सेल करने से क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट होगा ठीक है चलो तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं अच्छा और एक चीज बताना था वो तो वो भी थोड़ा बता देते हैं नहीं तो प्रॉब्लम होगा कमीशन ठीक है कमीशन के बारे में बता देते हैं कमीशन किसे मिलेगा एजेंट को कमीशन मिलेगा ठीक है और कमीशन दो तरह का होता है एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल ठीक है ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब है ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब होता है कि नॉर्मल कमीशन जो कि परसेंटेज ऑफ सेल के ऊपर होता है मान लो बोल दिया पांच परसेंट ऑफ सेल सपोज फाइव परसेंट ऑफ सेल जितना सेल होगा उसके ऊपर फाइव परसेंट बट स्पेशल कमीशन दो तरह का होता है एक होता है ओवर राइडिंग और एक होता है डेल क्रेडियर अब डेल क्रेडियर और ओवर का मतलब क्या है ओवर का मतलब है कंसाइनर तो बताएगा ना कि मेरे प्रोडक्ट को आप इतने में सेल कीजिए सपोज कंसाइनर ने बताया कि मेरा ये प्रोडक्ट आप 120 में सेल कीजिए सपोज ये प्राइस किसने बता के रखा है कंसाइनर ने बता के रखा है लेकिन कंसाइने क्या किया उसने ज्यादा एफर्ट लगाया उसे वन में सेल कर दिया तो ओवर करवा दिया प्राइस को जो है वो ओवर करवा दिया अब इतना मेहनत किया है तो उसे कुछ मिलना तो चाहिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर हम एफर्ट से ज्यादा दाम में बिकवा दे क्या मुझे ओवर मिलेगा अगर कंसाइनर बोलता है कि हाँ, मिलेगा तो फिर कंसाइनी टेन रुपीज का, तो का एक्स्ट्रा रियलाइजेशन हुआ है इस के ऊपर मान लो और भी 3 मिलेगा यहाँ पर फाइव परसेंट पहले से ही बोल के रखा था फॉर ये तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे देखो हमेशा अगर सिर्फ स्पेशल कमीशन मिलेगा कोई काम नहीं करेगा ऑर्डिनरी हमेशा मिलता है अब उसके ऊपर अगर स्पेशल का कोई मेंट बना हुआ है तो मिलेगा ये तो देना ही है ठीक है तो जैसे फाइव परसेंट अब सेल तो मिलेगा और जितना एक्स्ट्रा में बिकवा दिया है उसके ऊपर थ्री परसेंट अब एक्स्ट्रा में टेन रुपीज एक्स्ट्रा में बिकवा दिया सपोज ऐसा मान लो टेन पीसेस बिकवा दिया तो फिर जितना एक्स्ट्रा पैसा इनकम करवा दिया है कंसाइनर का उसके ऊपर थ्री अगर ओवर कमीशन थ्री बोला हुआ है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवर कमीशन जो से प्राइस मतलब जो कंसाइनर ने बता दिया उससे अगर ज्यादा में बिकवा देता है दैट इज ओवर कमीशन एंड डेल क्रेडियर कमीशन मतलब मतलब क्रेडिट के बात है बात है यहाँ पर क्रेडिट का मतलब अब देखो सेल करोगे तो कैश क्रेडिट दोनों में ही करना पड़ेगा ना एजेंट तो ऐसा नहीं बोल सकता हम तो एजेंट है हम क्रेडिट में नहीं बेच सकते अगर फ्लेक्सिबिलिटी लाना है अगर मिस्टर ए को अपना इन बिजनेस को बढ़ाना है तो मिस्टर ए को तो फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा मिस्टर बी को एजेंट को बोलना पड़ेगा ठीक है आप कैश में भी कीजिए क्रेडिट में भी कीजिए अब क्रेडिट में करने से एक प्रॉब्लम तो है ना बैड डिप्ट तो हो सकता है ठीक है बैड डिप्ट तो होगा तो अगर बैड डिप्ट का अगर मान लो कंसाइनी जो है वो बोल रहा है कि बैड डिप का रिस्क हम ले लेंगे बैड डिप्ट का रिस्क अगर कौन

Uh, मतलब एक बैड डिप्ट का जो लॉस है वो कंसाइनी अगर बीयर करेगा तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में कभी नहीं एपियर करेगा ठीक है अगर कंसाइनी बोलेगा कि आपका बैड डिप्ट मेरा है तो फिर वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा सीधा सा बात है है अगर बैड मुझे बोल रहा कि ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना ही नहीं है तो पीएल में थोड़ी ना चार्ज करेंगे तो पीएल जैसा होगा यहाँ पर कंसाइनमेंट उसी तरह से काम करेगा तो मुझे बैड डिप्ट नहीं दिखाना है लेकिन अगर डेल क्रेडियर कमीशन पे नहीं किया जा रहा है तो बैड नॉर्मल जैसे हम लोग बैड डिप्ट दिखाते

ओके okay. अब हम लोग देखो पहले एक अन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का क्वेश्चन करते हैं देखो दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एस्टर्टेन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक अनसोल्ड हो या क्लोजिंग हो एक ही बात है ऑन कंसाइनमेंट तो देखो गुड सेंट बोला है गुड सेंट किया गया है 20000 कंसाइनर का खर्चा है 4000 कंसाइनीस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस 3000 सेल किया है 840,000 लॉस ड्यू टू नेचुरल वेस्टेज नेचुरल मतलब नॉर्मल लॉस है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा हमें बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो तो देखो किस तरह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अच्छा तो देखो किस तरह से होगा गुड सेंट बोला है तो गुड सेंट बाय कंसाइनर सबसे पहले हम लोग इसी तरह से लिखेंगे हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितना स्टॉक सेंड किया है और कितना बच गया है तो हम लोगों ने जो स्टॉक सेंड किया है उसका वैल्यू है ट्वेंटी थाउजेंड और यूनिट है थाउजेंड तो थाउजेंड किलो भेजा गया है और वैल्यू जो है वो है ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है वैल्यू जो है वो है ट्वेंटी थाउजेंड अब अगर हमारा गुड्स का वैल्यू किसी रीजन से बढ़ जाता है तो वो चेक करना पड़ेगा कंसाइनर ने एक्सपेंस भी किया इसे भेजने के लिए तो हमेशा लिखना चाहिए ऑल एक्सपेंसेज ये लिखने लिखने का हैबिट कर लोगे तो गलत नहीं होगा ऑल एक्सपेंसेज बाई कंसाइनर कंसाइनर का सारा खर्चा फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड खर्चा लग गया है गुड्स को भेजने के लिए तो थाउजेंड का जो गुड्स था जो कि ट्वेंटी थाउजेंड का था मतलब एक एक गुड्स का वैल्यू ट्वेंटी रुपीज करके था जो अभी ट्वेंटी फोर कर करके हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड हो गया अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि हमें देखना पड़ेगा कि और क्या कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया है हाँ किया है यहाँ पर कुछ ये सारा पॉइंट अपियर नहीं कर रहा है जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये कंप्लीट लिखवा दिया है तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड हो गया ना तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट है ना तो गुड्स इन ट्रांसिट है तो जरूरत नहीं है लिखने का यही टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ही जो है कंसाइनी को रिसीव हो गया है अब कंसाइनी ने कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा गुड्स को अपने मतलब सेलेबल कंडीशन में ले जाने के लिए तो फिर वो खर्चा हमें ऐड करना पड़ेगा अगर मिडिल का ये पोर्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे ऐड करना पड़ेगा कंसाइन कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस Non expense, 3, ने खर्चा किया है थ्री थाउजेंड तो टोटल कितना हो गया थाउजेंड यूनिट गुड्स का वैल्यू हो गया है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थाउजेंड यूनिट गुड्स का वैल्यू हो गया है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड अब यहाँ पर बोल रहा है कि बेच दिया है कितना 800 किलो बेच दिया है ठीक है और लॉस हुआ है 100 तो लॉस हुआ है तो लॉस को माइनस कर देते हैं नॉर्मल लॉस है जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर है सिर्फ यूनिट लेस होगा तो यहाँ पर यूनिट लेस कर देते हैं और लेस कर देंगे सेल ठीक है लेस कर दिया मैंने सेल सेल का सिर्फ यूनिट लेंगे वैल्यू नहीं है बिकॉज ये प्रॉफिट लगा हुआ है बाकी अभी हम लोगों ने जितना भी लिखा है वो प्रॉफिट रिलेटेड नहीं है ठीक है ये हमारा कॉस्ट शो कर रहा है तो हम लोग सिर्फ यूनिट को लेस करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर मेरा थाउजेंड यूनिट था हंड्रेड नॉर्मल लॉस हो गया तो नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड हंड्रेड का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा हंड्रेड यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा मुझे वैल्यू करना है जैसे कि नॉर्मल लॉस का वैल्यू नहीं करना है तो नहीं करेंगे लेकिन मुझे ये जो सेल किया है उसका तो मुझे वैल्यू करना पड़ेगा देखो सेल तो हुआ है फोर्टी में बट इट इसका कॉस्ट कितना है तो जो गुड्स पहुंचा था कंसाइनी के पास उसका कॉस्ट आ गया था ट्वेंटी सेवन थाउजेंड कॉस्ट थाउजेंड यूनिट का थाउजेंड यूनिट का था ट्वेंटी तो होगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा थाउजेंड ठीक है डिवाइडेड बाय कितना हो गया थाउजेंड और यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि एट हंड्रेड का कॉस्ट कितना हुआ होगा ये हमें पूछा जा रहा है एट हंड्रेड का कॉस्ट कितना होगा तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं अदरवाइज देखो और एक सिंपल वे भी है ऐसे नहीं करके हम लोग एक सिंपल वे से भी कर सकते हैं देखो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यूनिट कितना कम हो गया थाउजेंड हंड्रेड एट हंड्रेड तो नाइन हंड्रेड यूनिट जो है वो चला गया से सिर्फ हंड्रेड बच रहा है तो अगर थाउजेंड का वैल्यू ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है तो हंड्रेड का वैल्यू कितना होगा बताओ कैलकुलेट करके थाउजेंड का वैल्यू अगर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है हंड्रेड का वैल्यू सिर्फ यहाँ से निकाल लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं सेल वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो भी तो चलेगा ना कैलकुलेट करके थोड़ा बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पर एक एक कर लेते देखो अच्छा पहले यहाँ पर कर लेते ये 900 आ गया इसका वैल्यू हो गया 27,000 अब आफ्टर नॉर्मल लॉस 900 यूनिट का वैल्यू हो चुका है 27,000 ठीक है तो 100 का कितना है ये ये निकाल लो तो भी भी होगा ठीक है फिर 800 वाला भी समझाते हैं नॉर्मल लॉस हुआ है इसीलिए नाइन यूनिट बन चुका है तो ट्वेंटी जो कॉस्ट हो रहा था थाउजेंड का था। था। भी वो हो रहा है नाइन का ठीक है तो ये कितना हो गया थर्टी करके पहले जो ट्वेंटी करके था वो थर्टी तो हंड्रेड इंटू टी कितना हो जाएगा थ्री थाउजेंड मेथड से भी कर सकते हो अब अगर हम लोग सेल का भी देखें तो 800 जो हम लोगों ने सेल किया है 30 रुपीस वाला कॉस्ट था तो 24,000 इसका वैल्यू बा, तो 24, तो चाहिए तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड जो मेरा अभी बना हुआ है पहले मेरा कितना था एट द रेट ऑफ ट्वेंटी दिख रहा है एट द रेट ऑफ थर्टी ठीक है क्योंकि नॉर्मल लॉस हुआ है तो मैंने जो सेल किया है उसका कॉस्ट कितना है एट द रेट ऑफ थर्टी ट्वेंटी फोर थाउजेंड है तो क्लोजिंग स्टॉक जो हंड्रेड यूनिट बन रहा है हंड्रेड किलो है यहाँ पर जो यूनिट है तो हंड्रेड के का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा एट द रेट ऑफ थर्टी करके कितना हो जाएगा रुपीज थ्री ठीक है रुपीज थ्री तो इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ठीक है क्लोजिंग स्टॉक को हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो अगर हम लोग ये सेल वाला पॉइंट हटा भी देते हैं एक बार देखो ये सेल वाला पॉइंट अगर हम लोग क्वेश्चन में नहीं भी लाते तो भी हम लोग कर पाएंगे कैसे करेंगे हमें क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट सही कैलकुलेट करना है कैसे कर लेंगे फिर नाइन हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड सेल का यूनिट सिर्फ हटा दो हंड्रेड हो गया तो ये एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन है इसका कोई जरूरत बाकी जगह पे नहीं होता है तो ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड वाला कंसेप्ट जो है ये नहीं भी करके तुम लोग डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हो सिर्फ सेल का यूनिट को लेस करके भी कर सकते हो और इसके बेसिस पे तो ये करोगे तो भी ठीक है नहीं करोगे तो भी ठीक है बट कभी भी गलती से फोर्टी नहीं लिख देना है दैट इज सेल वैल्यू यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा नेवर सेल वैल्यू सेल वैल्यू कभी नहीं लिखना है जो हमें क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा सेल वैल्यू कभी नहीं लिखना है सेल वैल्यू लिखने से हमारा कॉस्ट आएगा ही नहीं ठीक है बिकॉज हमारा स्टॉक जो है वो कॉस्ट में ही कैलकुलेट होता है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे ठीक है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फाइव थाउजेंड शर्ट वेयर कंसाइंड

तो जिंग है वो कंसाइनी है तो रायजाद एंड कंपनी को खर्चा तो करना पड़ेगा टोक्यो तक पहुंचाने के लिए फ्रेट लगा है पचास हजार इंश्योरेंस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग द ट्रांजिट जब ट्रांजिट हो रहा था फाइव हंड्रेड शर्ट में टोटली डेमेज बाई फायर दिस इज लॉस यानी यहाँ पर यूनिट एज वेल एज वैल्यू दोनों ही लेस होगा क्योंकि ट्रांजिट में जाते हुए फाइव हंड्रेड शर्ट लॉस हो गया बिकॉज फायर हो गया था ठीक है आग लग गया था जिंक टूक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शर्ट अब इसके पास कितना पहुंचा होगा फाइव अगर चला गया तो पहुंचा ना होगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड वो स्टॉक डिलीवरी ले लिया जितना उसके पास आके पहुंचा एज ए सेलेबल कंडीशन में और इसने कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा इसको 72,000 बट ये कस्टम ड्यूटी इसने खुद के लिए नहीं पे किया है रायजादा एंड कंपनी के बिहाफ में पे किया है तो उन लोगों से ले लेगा ठीक है अभी पे किया है उन लोगों से ले लेगा जिंग हैड सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रायजादा एंड कंपनी फॉर टू लैख एज एडवांस पेमेंट जैसे कि मैंने पहले ही तुम लोगों को कहा है कि इतना दूर भेज रहा है रिस्क तो है फिर एजेंट को भी तो अपना बिजनेस चलाना

पच्चीस शर्ट का कॉस्ट नहीं पे कर पाया प्रिपेयर करने बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट्स ऑफ जिंक इन द बुक्स ऑफ रायजादा एंड कंपनी

रिकवरी नहीं है ऐसा बताया तो हमें क्या करना है हमें इन द बुक्स ऑफ रायजादा एंड कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है तो हम लोग पहले यहां पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ रायजादा एंड कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमें पता है कि एक पीएल की तरह काम करेगा ठीक है ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं और उसके साथ करते हैं तो फाइव थाउजेंड शर्ट्स वेयर कंसाइंड बाई राइजादा एंड कंपनी टू जिंग ऑफ टोक्यो तो क्या एंट्री होगा जैसे ही गुड्स भेजा जाएगा तो उसमें एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट या तो हर केस में डेबिट होगा या तो हर केस में क्रेडिट होगा अब गुड्स भेजेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट राइजादा के लिए तो एक्सपेंस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट लिखना क्या पड़ेगा टू गुड्स टू गुड्स ट और कितना भेज रहा है देखो फाइव थाउजेंड इंटू थ्री सेवेंटी फाइव फाइव थाउजेंड इंटू थ्री सेवेंटी फाइव ठीक है तो ये कितना हो जा रहा है एटीन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है यार एटीन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो कंसाइनमेंट में खर्चा हो गया क्योंकि हम लोगों ने गुड्स जो है वो सेंड कर दिया उसके बाद क्या बोल रहा है देखो रायजादा एंड कंपनी ने ये गुड्स को टोक्यो तक तो पहुंचाने के लिए फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा किया है तो कंसाइनमेंट में फिर से एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा कैश या बैंक हम लोग लिख सकते हैं किस किस चीज का खर्चा है फ्रेट और इंश्योरेंस फ्रेट और इंश्योरेंस तो फ्रेट है फिफ्टी थाउजेंड ये देखो फ्रेट फिफ्टी थाउजेंड इंश्योरेंस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो टोटल कितना हो गया फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का खर्चा हो गया उसके बाद ड्यूरिंग द ट्रांजिट फाइव हंड्रेड शर्ट्स वेयर टोटली डैमेज बाई फायर फाइव हंड्रेड जो है डैमेज हो गया है फायर के वजह से और जिंक टूक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शर्ट एंड पेड कस्टम ड्यूटी सेवेंटी टू थाउजेंड तो सबसे पहले बोला है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। तो हम लोग जब फाइनल करते हैं गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो हम लोग उसे कहां होता है वो एक ऐसा एडजस्टमेंट था जो तीन जगह होता था ठीक है एक तो पीएल में भी होता है टू गुड्स लॉस ऑन कंसाइनमेंट ठीक है एक हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड में लिख सकते हैं बाई एप लॉस और इंश्योरेंस क्लेम से जो रिसीवेबल होता है वो बैलेंस शीट में लिखता है जबकि यहाँ पर बैलेंस शीट का ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो हम लोग उसे किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस इस तरह से बाई एबनॉर्मल लॉस हम लोग बाई साइड में लिख देते हैं अब एबनॉर्मल लॉस का हमें वैल्यू भी तो देखना पड़ेगा कितना क्योंकि गुड्स का वैल्यू हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं शर्ट लॉस हुआ है तो 500 सौ इंटू नहीं नहीं होगा क्योंकि खर्चा किया गया है ना मिडिल में तो उसी बेसिस पे ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसका जब कैलकुलशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर एंट्री लिख दिया है एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो गया है बिकॉज हमारा लॉस हो गया ठीक है कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो रहा है ये क्रेडिट नहीं हो रहा है गेन

ने किया तो टू जिंग हो जाएगा कस्टम ड्यूटी अभी कस्टम ड्यूटी वाला इंफॉर्मेशन मिला है इसे लिख देते हैं सेवेंटी टू थाउजेंड ठीक है सेवेंटी टू थाउजेंड अब क्या बोल रहा है जिंग हेड इज हेड सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू राइजा एंड कंपनी फॉर टू लैक फिफ्टी थाउजेंड एज एडवांस ठीक है ने क्या किया है एडवांस पेमेंट किया है तो एडवांस पेमेंट का एंट्री क्या होगा एडवांस देखो मिस्टर राइजा एंड कंपनी के लिए लाइबिलिटी है तो जैसे लाइबिलिटी uh, होगा तो फिर इसका एंट्री क्या होना चाहिए कि जिंक के पास से जो लिया है ना वो जिंक को कभी ना कभी तो वापस करना ही पड़ेगा ठीक है वापस करने का मतलब यह है कि उसे एडजस्ट कर लेना

सॉरी uh, इस केस में हो जाएगा जिंग ठीक है इस केस में हो गया जिंक तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका पोस्टिंग होना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट में तो इसका पोस्टिंग नहीं होगा क्योंकि ये एंट्री क्या है कैश टू कंसाइनमेंट सॉरी कंसाइनी कैश टू कंसाइनी तो ये कंसाइनी अकाउंट में जाएगा जो कि हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने बोला भी है कि कंसाइनी अकाउंट बनाओ तो ये हम लोग कंसाइनी अकाउंट में लिखेंगे बाई कैश बोल के तो कंसाइनमेंट अकाउंट में एडवांस का एंट्री कभी नहीं होगा क्यों नहीं होगा बिकॉज एंट्री ही उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है एंट्री तो हो रहा है टू कंसाइन तो फिर हम लोग क्यों लिखे यहाँ पर नहीं लिख सकते कंसाइनमेंट अकाउंट में फिर एडवांस या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई भी पोर्शन नहीं जाता है अब नेक्स्ट देखो फोर थाउजेंड शर्ट वेयर सोल्ड बाई हिम एट फाइव हंड्रेड इच जब फोर थाउजेंड शर्ट सेल हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग सेल करने से नॉर्मली हम लोग का खुद का सेल होता तो हम लोग लिखते बाई कैश या फिर बाई सेल लिख सकते थे लेकिन ये सेल जो है इसका सेल कौन किया है मिस्टर जिंग ने किया जैसे यहाँ पर मैंने जिंग को देना है इन लोगों को सेवेंटी टू थाउजेंड तो जिंग को क्रेडिटर बनाया वैसे जिंक से जब मिलेगा तो जिंक को डेटर बनाएगा तो बाई जिंग हो गया तो इसमें लिखेंगे इस तरह से सेल प्रोसीड्स ठीक है सेल प्रोसीड्स इस तरह से हम लोग इसे डिनोट करेंगे कि जिंक को डेबिट क्यों किया है हम लोगों ने क्योंकि हमें उनसे फोर थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड मिलेगा फोर थाउजेंड इंटू फाइव हंड्रेड ये हो गया ट्वेंटी लैख ठीक है अब नेक्स्ट क्या बोला है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय जिंग ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट टेन थाउजेंड फिर से जिंग ने एक्सपेंस किया है तो यहां पर लिख देते हैं इसी के अंडर गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट टेन थाउजेंड गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा टेन थाउजेंड ठीक है उसके बाद ही तो पर लिखना पड़ेगा कमीशन हम लोग चाहे तो टू जिंग कस्टम ड्यूटी लिख सकते हैं एक ही जगह पे भी लिख सकते हैं ठीक है अब कमीशन सिर्फ एक ही कमीशन का बात हुआ है तो ये ऑर्डिनरी कमीशन है कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज ऑर्डिनरी कमीशन कम से कम वो तो मिलना ही चाहिए फाइव ठीक है फाइव ऑन सेल तो फाइव होगा तुम लोग बताओ मुझे कितने सेल पे होगा सेल का वैल्यू जो है ये है लेकिन यहाँ पर एक बैड बैडेप भी बताया था बैड बैडेप ये है कि एक कस्टमर जिसने 25 शर्ट खरीदा था वो पे नहीं कर पाया है वो बैड डेप्ट हो गया लेकिन यहाँ पर तो डेल क्रेडियर कमीशन का कोई बात नहीं है तो बैड डेप्ट किसको ऑकर करेगा बैड डेप्ट फिर रायजादा एंड कंपनी को ही ऑकर करेगा तो उसको अपने अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ठीक है तो कमीशन तो पूरा ही देना पड़ेगा इसने बीस लाख का सेल करवाया है बीस लाख इंटू तो 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 ये कितना हो जाएगा? 1 तो Zinc को कितना कितना हो जाएगा को को करना करना पड़ेगा पड़ेगा एक एक बार concept देखो, एक बार देखो हम हम लोग अगर starting से, से अगर हम लोग अगर अगर से करते हैं इस समझना चाहते हैं तो ये क्या बता रहा है ये ये बता रहा है कि कंसाइनमेंट के थ्रू से मैंने 18 ,00, 75 का सेल गुड्स भेजा है ठीक है जिंक को और जिंक और मैंने फिफ्टी सेवन फाइव हंड्रेड का खर्चा किया है Zink को मुझे देना है क्योंकि ये मेरा ही खर्चा है उसने मेरे बिहार में किया है ऑल साइड में है और मुझे Zink से कितना मिलेगा ट्वेंटी लाख ,00 मिलेगा ठीक है और एक एबनॉर्मल नॉर्मलस अभी भी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है तो ये हो गया अब बोल रहे हैं कि एक कस्टमर है जिसने लॉस मतलब बैड डिप्ट करवा दिया है तो बैड डिप्ट करवा दिया है तो उसका लिखना पड़ेगा इस तरह से टू कंसाइनमेंट डेटर बैड डिप्ट कंसाइनमेंट डेटर इस अकाउंट में चार्ज करेंगे ना क्योंकि इस अकाउंट में इसीलिए चार्ज करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कंसाइनी को थोड़ी ना कोई डेल क्रेडियर कमीशन दिया है अगर डेल क्रेडियर कमीशन देते तो फिर हमें यहाँ पर चार्ज नहीं करना पड़ता डेल क्रेडिअर कमीशन तो दिया नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट डेटर इसे लिख दो बैड डिप्ट डेटर नहीं बैड डिप्ट

अब हमें बस दो काम करना है एक तो हमें closing stock का वैल्यूएशन करना है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो है कैसे पता चल रहा है क्योंकि हमारा जो 500 पांच सौ शट लॉस हो गया था उसमें से फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिंक के पास पहुंचा था उसमें से उनने चार हजार का सेल करवाया है यानी एक तो दिख रहा है कि 500 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिट ये हमें शो हो रहा है लेकिन हमें वैल्यू भी कैलकुलेट करना है एज वेल एज एब लॉस का भी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दो चीज बच गया एक तो एब लॉस का वैल्यू कैलकुलेट करना है एक बाई ये क्या लिखेगा स्टॉक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट लिखता लिख सकता है या फिर लिखेगा स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनी जैसे बाई सा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना उसी तरह से बाई ये सेल हो गया बाई एब नॉर्मल लॉस बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ठीक है कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो इसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा हमेशा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का हमें वर्किंग करना ही पड़ता है अदरवाइज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अच्छा इसमें और भी दो अकाउंट बोला है तो वर्किंग नोट को हम नेक्स्ट पेज में करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स पहले निकाल लेते हैं लॉस्ट इन ट्रांसिट लॉस्ट इन ट्रांसिट या फिर पूरा डायरेक्टली भी कर सकते हैं तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट देखो किस तरह से हम लोग निकाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितना है यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं फाइव थाउजेंड इन टू थ्री फाइव थाउजेंड हम लोग उस अकाउंट को देख के ही कर पाएंगे तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फाइव थाउजेंड ठीक है फाइव थाउजेंड इंटू थ्री सेवेंटी फाइव यानी एटीन लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड का गुड सेंड किया गया था कॉस्ट ऑफ गुड सेंट बाई कंसाइनर लिख देते हैं ठीक है तुम लोग चाहो तो रायजादा एंड कंपनी भी लिख सकते हो ऐड करेंगे ऑल एक्सपेंस जैसे कि मैंने बताया ऑल ऑल एक्सपेंस एक्सपेंस बाय बाय कंसाइनर कंसाइनर ये वैल्यूएशन ऑफ लॉस्ट इन ट्रांजिट ना करके पूरा क्लोजिंग स्टॉक ही कर लेते डायरेक्टली हम लोग सारा चीज निकाल सकते वैल्युएशन ऑफ स्टॉक एंड गुड्स लॉस्ट तो एक्सपेंसेस कितना लगाया है ये भी हम लोग यहां से देखेंगे ऑल एक्सपेंस लेना है फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ऑल एक्सपेंस ले लिया एक्सपेंस करने से कभी भी हमारा जो है यूनिट इंक्रीज नहीं होगा तो फाइव थाउजेंड और ये बन गया नाइनटीन लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स टोटल इसे बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट इतना कंसाइनर ने भेजा है अब देखो कब गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसिट ठीक है तो लेस कर देंगे लॉस्ट इन ट्रांजिट और क्योंकि हमें बताया है कि फायर होने वजह से हुआ है तो लॉस लॉस है तो में यूनिट एज एज वेल हमें वैल्यू भी लेस करना पड़ेगा तो वैल्यू कैसे निकालेंगे जस्ट फॉलो यूनिटरी मेथड अगर 5000 का वैल्यू नाइनटीन लैक थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर फाइव थाउजेंड का वैल्यू है तो फिर फाइव हंड्रेड का वैल्यू कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये देखो दो जीरो दो जीरो यहाँ से कैंसिल ये हो गया टेन ठीक है ये टेन हो गया तो कितना वैल्यू हो जाएगा वन नाइन थ्री टू फाइव जीरो तो इसका मतलब गुड्स जो है वो कम होके फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया और इस फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड गुड्स का वैल्यू आ जा रहा है कितना आ रहा है ये सेवेंटीन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी आ रहा है ठीक है ये हो गया गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट और इसने बताया है कि यहाँ पर इसने क्या किया था सेवेंटी टू थाउजेंड अब हम लोग को चेक करना है हम लोग को चेक करना है कि नॉन ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी अब कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कस्टम ड्यूटी एक दिख रहा है हमें ठीक है गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट और कमीशन ये तो आफ्टर सेल है ठीक है हमें क्या करना है सेलेबल कंडीशन के पहले के सारे खर्चे लगाने हैं या फिर बिफोर गोडाउन लगाना है या या फिर जो हमारा क्या होगा नॉन रिकरिंग तो यहाँ पर देखो कस्टम ड्यूटी ओनली नॉन रिकरिंग होगा

फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटीन लैख इलेवन 11,250 टू हंड्रेड फिफ्टी ठीक है एटीन लैख इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इसका मतलब ये हमारा आ गया गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यू ठीक है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट का वैल्यू आ गया सॉरी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यू ये आ रहा है ये सॉरी ये तो मेरा टोटल जो बचा हुआ है लॉस्ट इन ट्रांजिट का वैल्यू ये मिल गया वन लैख नाइन्टी थ्री टू फिफ्टी लॉस्ट इन ट्रांजिट हम लोग लिख सकते हैं वन लैख नाइन्टी थ्री टू हंड्रेड फिफ्टी यहां से वन लैक नाइन्टी थ्री टू हंड्रेड फिफ्टी यहां पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर वन वन लैख नाइन्टी थ्री टू हंड्रेड फिफ्टी अब हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है और उस प्रोसेस में हमें आगे क्या क्या लिखना पड़ेगा देखो हमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मिल गया ये हो गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल अब ये जो है मिस्टर जिंक जो है ये सेल करने के लिए इनके पास फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही है जिसका कॉस्ट जो है वो एटीन लैख इलेवन थाउजेंड टू फिफ्टी हो रहा है अब इन्होंने कितना सेल कर दिया है फोर थाउजेंड यूनिट सेल कर दिया ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा यूनिट में देखेंगे तो फाइव मैंने वो सेल वाला कंसेप्ट हटा दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो ये फाइव हो गया ठीक है अब फाइव का वैल्यू निकालना पड़ेगा एटीन लैख इलेवन अगर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का वैल्यू है तो फाइव हंड्रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है ये हो रहा है टू जीरो स्टॉक का वैल्यू हो गया टू जीरो जीरो स्टॉक बन गया टू जीरो वन टू फाइव जीरो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अब हम लोग को इसका टोटल करना पड़ेगा टोटल करके देखना पड़ेगा कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो ये टोटल होगा ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है और यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है दैट इज प्रॉफिट और लॉस यहां पर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट टू लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तुम लोग एक बार चेक करके देख लेना टू लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो रहा है कंसाइनमेंट में प्रॉफिट ठीक है अब हमें इसके साथ कंसाइनी अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है तो हम लोग बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट या फिर मिस्टर जिंग जिंग अकाउंट जिंग तो अकाउंट में क्या क्या लिखना पड़ेगा देखो जिंग अकाउंट बना कौन रहा है रायज़ादा एंड कंपनी तो रायज़ादा एंड कंपनी पहले ही मिस्टर जिंग से लेके रखा है बाई बैंक बोल के हम लोग लिख लेते हैं जो एडवांस था ना वो यहाँ पर एडवांस बोल के लिख लेते हैं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का एडवांस लेके रखा है ठीक है ये सबसे पहले उन्होंने एंट्री किया होगा जब अकाउंट बनाया होगा उसके बाद उन्होंने ये एंट्री किया होगा कि जिंग ने क्या क्या खर्चा किया है तो जिंग ने वन लैख एटी टू थाउजेंड का खर्चा किया है तो कंसाइनमेंट टू तो जिंग तो जिंग में क्या हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंस हम लोग डिटेल्स में भी लिख सकते हैं हम फिलहाल इस तरह से एक्सपेंसेस लिख देते हैं वन लैख ए टू थाउजेंड ठीक है उसके बाद उन्होंने चेक किया होगा कि कितना सेल कर दिया है सेल कर दिया है ट्वेंटी लैख ,00 का तो जिंग कंसाइनमेंट जिंग टू कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट में क्या हो जाएगा कंसाइनमेंट में सॉरी जिंग में क्या हो जाएगा जिंग में हो जाएगा टू कंसाइनमेंट ये देखो एंट्री क्या था जिंग टू कंसाइनमेंट तो जिंग में हो जाएगा टू कंसाइनमेंट ये सेल का है सेल कर दिया है कितने का सेल कर दिया है ट्वेंटी लैख का ठीक है सेल कर दिया है ट्वेंटी लैख का तो बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंस आ गया अच्छा अब यहां पर हमें क्या करना है यहां पर हमें देखना है कि बाई किधर आ रहा है तो मुझे जितना दिख रहा है ये ट्वेंटी लैख इधर है तो बाई साइड जो है वो इधर चला जाएगा बाई इधर आएगा बैलेंस जो है इधर आ जाएगा तो ट्वेंटी लैख और ये माइनस करके देखना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैंक और इसे हम लोग बोलेंगे फाइनल सेटलमेंट ठीक है फाइनल सेटलमेंट फाइनली क्या सेटलमेंट हुआ तो बैंक टू जिंग हो गया मतलब इनको पैसा मिलेगा क्योंकि देखो ना क्यों पैसा मिलेगा रायजा एंड कंपनी को नॉर्मल सा बात है रायजा एंड कंपनी का 20 लाख रुपया जो है वो जिंग के पास से सेल कर किया हुआ ठीक है तो 20 लाख इससे मिलेगा और एडवांस लेके रखा था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो वो माइनस कर देगा वन लाख एटी टू थाउजेंड इसे मिलना चाहिए वो माइनस कर देगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ रहा है ये एक बार देखना पड़ेगा कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक अकाउंट एक हम दिखा देते हैं बना के एबनॉर्मल लॉस अगर बोले कभी भी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ तो हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट ठीक है तो एबनॉर्मल लॉस जो कंसाइनमेंट में हुआ है ये क्रॉस पोस्टिंग करेंगे एबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट वन लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी टू कंसाइनमेंट वन लैक नाइन्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी और लॉस में कोई भी क्लेम नहीं मिला क्लेम मिलता तो बाई इंश्योरेंस कंपनी जितना नहीं रिकवर होता वो बाई पीएल हो जाता लेकिन यहाँ पर पूरा ही बाई पी हो जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी रिकवरी नहीं दिया है तो अगर हमें कभी भी बोले कि इसका अकाउंट प्रिपेयर करो एब लॉस का तो हम लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और रहा इसका इसका बैलेंसिंग फिगर कितना रहा है ये देखना पड़ेगा का बैलेंसिंग फिगर ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस वन लैख एट्टी टू थाउजेंड अच्छा तो ये हो रहा है वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ये सॉरी फिफ्टीन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड फिफ्टीन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड हो रहा है ठीक है अच्छा लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें करना चाहिए था क्या बताओ यहाँ पर जो कंसाइनमेंट का सेल है ना उसको अगर हम लोग अलग लिखते तो मुझे मुझे लगता है यहाँ पर एक पॉइंट मुझे बताना चाहिए था मैंने नहीं बताया जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कंसाइनमेंट डेटर का क्या है ना एक्चुअली देखो ट्वेंटी लाख जो सेल हुआ है ना उसमें से जो लॉस हो गया वो तो रिकवर नहीं होगा यानी मिस्टर जिंग बीस लाख तो भेज नहीं सकता है कितना भेजेगा बीस लाख में से कितना नहीं भेज पाएगा देखो जो सेल रिकवरी नहीं हुआ यानी 12,500 ठीक है जो बैड डेप्ट हो गया वो तो रिकवर नहीं वो तो नहीं भेज पाएगा उतना पैसा तो ये जो सेल है ये यहाँ पर से कम हो जाना चाहिए बता बताना चाहिए क्रिएट हुआ है ना 12,500 का जो बैड डेप्ट क्रिएट हो गया वो बारह वाला पैसा तो रिकवर नहीं होगा सेल तो में ये पूरा पैसा नहीं भेज सकता सिर्फ नाइनटीन भेज पाएगा नाइनटीन 8500. तो यहां पर जो बैलेंस है ना ये चेंज हो जाएगा ठीक है ये हम बता देते हैं वहां पर किस तरह से ट्रीटमेंट होगा तो देखो इसका यहां पर फाइनल सेटलमेंट जो है ना 15 लाख 55500 का हो जाएगा तो ये टोटल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा यहां पर मेरा मिस्टेक हो गया है 19 लाख एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसीलिए गलत हो रहा है ये वाला कंसेप्ट क्योंकि जब वो ये तो मिस्टर रायजादा एंड कंपनी अपना कैलकुलेशन कर रहा है ना तो उसे तो पता है कि उसका लॉस हो गया उसने तो यहाँ दिखा दिया अपना लॉस बारह हजार पांच सौ तो फिर उसको सेल करके कितना मिलेगा नाइनटीन लाख एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड ही जिंक जो है रिमबर्स कर सकता है तो उसी हिसाब से उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा तो फिर यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए ना यहाँ पर ये जो मैंने क्रॉस पोस्टिंग किया तो ये क्रॉस पोस्टिंग का भी जो कैलकुलेशन है यहाँ पर ट्वेंटी लैक नहीं होगा तो फिर उस अकाउंट के साथ टैली नहीं करेगा ना तो यहाँ पर कितना करेंगे फोर थाउजेंड से हम लोग लेस कर देंगे फोर हंड्रेड तो यहाँ पर नंबर ऑफ हो जाएंगे थ्री नाइन सेवन फाइव जो गुड्स भेजा गया है वो थ्री नाइन सेवन फाइव हो जाएगा ना ये देखो फाइव थाउजेंड में से थ्री फाइव थाउजेंड में से फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव थाउजेंड में से ये ट्वेंटी फाइव शर्ट जो है वो लेस हो जाएगा जो बैड डेप्ट हो गया ये कैसे आया? 5000 माइनस 25 एक्चुअली ये कैसे आया? 5000 भेजा गया था जिसमें से 500 लॉस हो गया तो बचा कितना? 4500 और इसमें से 25 जो है बैड डेप्ट हो गया तो बचा कितना? 39 तो नहीं हो रहा 3975 होगा क्या? एक मिनट कितना सारा बैड डिप्ट हुआ है ट्वेंटी फाइव बेचा कितना था अच्छा सेल किया था फोर थाउजेंड उसमें से ट्वेंटी फाइव हाँ ये देखो इस तरह से होगा फोर थाउजेंड यूनिट फोर थाउजेंड शर्ट बेचा था उसमें से पच्चीस पीस जो है वो बैड डिप्ट हो गया था तो थ्री नाइन सेवन फाइव का जो है वो पेमेंट मिलेगा इसका वैल्यू हो जाएगा नाइनटीन लैक एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो फिर इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा लेकिन टोटल हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका पोस्टिंग किस तरह से होता है जब बैड डिप्ट को यहाँ चार्ज किया जाता है तो यहां पर लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट डेटर देखो यहां पर लिखना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट डेटर इसका कंसेप्ट बता देते हैं बैड डिप्ट बैड डिप्ट यहां पर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव 500, हंड्रेड इसका कंसेप्ट क्या हुआ इसका कंसेप्ट हुआ पहले सेल का दो पार्ट दिखाना है एक तो मेरा ये ये जस्ट सेल प्रोसीड बैड नहीं है मतलब इसका पैसा रिकवर होगा ही होगा ठीक है चाहे वो मतलब कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो पैसा रिकवर जो होगा वो जिंग से हम लोग रिकवर कर लेंगे सेल प्रोसीड लेकिन जिंग से हम लोग कितना नहीं रिकवर कर पाएंगे ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड बिकॉज ऑफ बैड डिप्ट ठीक है अब ये बैड डिप्ट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा एक्चुअली एंट्री क्या होगा

टू कंसाइनमेंट डेटर एक्चुअली क्लोजिंग भी यहीं पर करना है ठीक है अब ये बैड डेप डेटर हमेशा इस तरह से ही हमें शो करना है अगर कंसाइन इसका लॉस बियर करेगा तो ये कहीं पर भी नहीं शो होगा 12,500 लेकिन अगर बियर नहीं करेगा तो ये यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा और इसका एंट्री इस तरह से ही होगा एक बार तो हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा बाई कंसाइनमेंट डेटर और एक बार यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट डेटर एक बार हम लोग एंट्री को पोस्ट करेंगे और यहीं पर क्लोज कर देंगे तो इस तरह से हम लोग को इसे शो करना पड़ेगा अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों ही है तो ये और एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते देखो यहाँ पर दिया हुआ है मैम आपको वॉइस नहीं आ रहा है हेलो हम अभी आ, रहे हैं। अभी आ रहे हैं अच्छा अच्छा देखो सबसे पहले गुड्स सेंड किया गया है तो टू गुड्सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना सेंड किया गया है थाउजेंड इंटू एट हंड्रेड तो यहाँ पर लिख लेते हैं थाउजेंड इंटू एट हंड्रेड तो ये हो गया एट लैख अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि इन लोगों ने खर्चा किया है ये तो कंसाइनर का खर्चा है फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंस फिफ्टी थाउजेंड जो इन लोगों का खर्चा है ये टू बैंक होगा उसके बाद ट्वेंटी फाइव बैरल वेर डिस्ट्रॉयड और इसके लिए लॉस हुआ है ठीक है तो आ, बाई एबनॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस उसके बाद बोल रहा है द इंश्योरेंस क्लेम अच्छा तो इसका कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कितना क्लेम मिल रहा है फिर हम लोग चेक कर पाएंगे की कि एक्चुअली कितना लॉस हुआ है जो की हम लोग एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में शो करेंगे सेंट्रल ऑयल लिमिटेड टूक डिलीवरी और बिल ड्रॉन अपन था तो बिल्स तो फिर उस अकाउंट में शो होगा क्योंकि उसमें तो कंसाइनमेंट में एंट्री नहीं होता है जैसे एडवांस पैसा मिला वैसे बिल ड्रॉ हुआ है तो बिल ड्रॉ का एंट्री यहां पर तो होगा नहीं कंसाइनमेंट अकाउंट में एडवांस मिला था तो कैश टू कंसाइनी वैसे बिल, बिल्स ड्रॉ करेंगे तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी बिल्स रिसीवेबल का एंट्री हो जाएगा अच्छा उसके बाद बोल रहा है फाइव लैख का सेल करवा दिया है ठीक है सॉरी फाइव लैख का बिल्स रिसीवे सेल हुआ है इतना सेवन फिफ्टी इंटू तो बाई ओयल, सेंट्रल ऑयल जो कि कंसाइनी है ठीक है सेंट्रल ऑयल अकाउंट लिखते थे कंपनी है ठीक है सेल प्रोसीड सेल प्रोसीड सेवन फिफ्टी इंटू ट्वेल्व हंड्रेड तो ये हो गया नाइन लैख 750 1200 ये नाइन लाख हो जाएगा उसके बाद ये सारा जो चार्जेस किया है ये इन लोगों को रिमबर्स करना पड़ेगा तो टू बैंक नहीं होगा खुद से तो क्या नहीं है

टेन थाउजेंड अच्छा उसके बाद वेजेस प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट वेजेस प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट ठीक है ये है प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट मिला के तो था ट्वेंटी थाउजेंड एक बार वेजेस को चेक कर लेते थर्टी थाउजेंड ठीक है वेजेस थर्टी थाउजेंड तो ये खर्चा इन लोगों को रिमबर्स करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव बैरल वेयर लॉस लौ, ड्यू टू लीकेज नॉर्मल लॉस तो उसका ट्रीटमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक में करेंगे और जिसका इफेक्ट एज ए क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट में शो हो जाएगा कमीशन है फाइव ऑन सेल तो ये कुछ कमीशन का नाम नहीं बताया है तो ये नॉर्मल कमीशन है कमीशन फाइव परसेंट ऑन सेल तो सेल कितना है sale है 9 ,00 9 ,00 पे 5%, 9, 5 सा 45 ,000. 45 ,000 हो गया अच्छा, अच्छा, कमीशन को यहाँ लिख दिया फोर्टी फाइव थाउजेंड और ये सारा टोटल करके लिख देते तो ये हो गया टेन थर्टी फोर्टी फोर्टी और ये हो गया सिक्सटी फोर्टी फिफ्टी 70 1,250 ये सारा खर्चा है 71250 अच्छा उसके बाद और तो कुछ नहीं बोला है हमें बस अब हमें closing stock का वैल्यूएशन करना पड़ेगा बाई क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी ये जो है हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा अच्छा इसके साथ हमें और भी दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा ये प्लस को छोड़ दिया मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सेंड बाय कंसाइनर कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्सेंट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट हमारा थाउजेंड यूनिट के हिसाब से थाउजेंड और कॉस्ट के मतलब अमाउंट के हिसाब से हो गया एट लैख एड करेंगे फिफ्टी थाउजेंड तो, तो थाउजेंड और एट लैख फिफ्टी थाउजेंड अब हमें देखना है कि लॉस्ट कब हुआ इन ट्रांसिट हुआ है या फिर रिसीव होने के बाद बोल रहा है कि लुप्रिके... अच्छा फ्रेट इंश्योरेंस ट्वेंटी फाइव बैरल वेस्ट्रॉइड वन टू थाउजेंड थर्टीन इन ट्रांसिट इन ट्रांसिट बोला है तो लेस कर देते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट जो कि एबनॉर्मल लॉस है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट और लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना हुआ है ट्वेंटी फाइव तो 25 का कितना वैल्यू है, थाउजेंड काउेंड टू हंडी फाइव ठीक है तो यहाँ पर कितना पहुंचेगा कंसाइनी होगा नाइन सेवेंटी फाइव होगा ठीक है और ये हो गया उजेंड सेवन कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड रीच्ड टू कंसाइनी कंसाइनी के पास इतना कॉस्ट का गुड्स पहुंचा है ठीक है अब यहाँ पर ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग अब जैसे ही पहुंचेगा वो अपना जो भी खर्चा करना है करेगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस करने से यूनिट कभी नहीं बढ़ेगा कोई भी एक्सपेंस से यूनिट नहीं बढ़ेगा सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगा तो नॉन रिकरिंग कौन कौन सा है बिफोर हमें देखना है बिफोर हमें देखना है कि गोडाउन तक ठीक है बिफोर गोडाउन का खर्चा जो है वो हमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा गोडाउन रेंट ये तो नॉन रिकरिंग है ये नहीं होगा वेजेस वेजेस भी नहीं होगा ठीक तो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजमेंट तो क्लियरिंग है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस आएगा 11,250 तो यहाँ पर 975 आ गया और ये हो जाएगा एट लैखी थाउजेंड ठीक है ये हो गया एट लैख फोर्टी थाउजेंड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि इतना जो गुड्स हम लोग के पास पहुंचने वाला था उसमें से रिड्यूस होकर नाइन सेवनटी फाइव हो गया और जिसका वैल्यू हो रहा है एट लैख फोर्टी थाउजेंड और कितना सेल कर दिया सेवन फिफ्टी तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा नाइन सेवनटी फाइव माइनस सेवन फिफ्टी कर देते हैं तो बचा कितना ये बच रहा है वन ट्वेंटी फाइव ठीक है वन ट्वेंटी फाइव बच रहा है अच्छा कुछ नॉर्मल लॉस भी था ना नॉर्मल लॉस था कि यहाँ पर माना गया है कि ये नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस का यूनिट है ट्वेंटी फाइव बैरल ठीक है तो ट्वेंटी फाइव तो इसमें से लॉस हो जाएगा तो पहले नॉर्मल लॉस को हटा देते हैं उसके बाद ही लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा नॉर्मल लॉस कुछ हुआ है लॉस कुछ है जिसका नॉर्मल लॉस माना गया है तो नॉर्मल लॉस में सिर्फ और सिर्फ यूनिट लेस होगा वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है नाइन फिफ्टी अब हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 950 माइनस सेल कितना हुआ है 750 750 तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा 200 तो 200 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यूनिटरी मेथड कर लो एट लैक फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइन डिवाइडेड बाई नाइन फिफ्टी टू हंड्रेड तो ये एक वैल्यू हमें पोस्ट करना है और ये वाला अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इसमें आ रहा है वन लैख थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी टू तु। तुम लोग ये देख लो वन लैख थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी टू हो रहा है कंसाइनमेंट में प्रॉफिट कंसाइन <coughs> अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करो <coughs> यहाँ पर पहले बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल <coughs> कितने का ड्रॉ हुआ था बिल्स रिसीवेबल फाइव लैख तो बाय बिल्स रिसीवेबल फाइव लैक और कुछ तो बाई कंसाइनमेंट होगा कुछ टू कंसाइनमेंट होगा ये तो हर बार ही होगा बाई <coughs> कंसाइनमेंट बोल के सेल वैल्यू आ जाएगा ये वाला जो है सॉरी एक्सपेंसेस आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सेंट्रल ऑयल तो सेंट्रल ऑयल में बाई कंसाइनमेंट सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी और ये कमीशन भी आना चाहिए सेवेंटी सेवेंटी वन टू फिफ्टी और कमीशन फोर्टी फाइव थाउजेंड इलेवन हो गया अच्छा टू कंसाइनमेंट यहाँ पर सेल सेल है नाइन लैख <coughs> तो ये फाइव लैख इधर इधर ही बैलेंस आएगा ठीक है तो इसका मतलब हम लोग पहले से नाइन लाख लेके रखे थे आप, हमें नाइन लाख मिलेगा ठीक है देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू से इन लोगों को नाइन लाख मिलेगा ठीक है इन लोगों को मीन्स लुब्रिजल लिमिटेड जो है मुंबई में जो है उन्हें नाइन लाख मिलेगा और पहले से इन लोगों ने फाइव लाख ले कर रखा है तो नाइन लाख से फाइव लाख हटा दो फोर लैख मिलना चाहिए लेकिन कंसाइनी ने तो इतना एक्सपेंस करके रखा है ना तो फोर लैख से ये लेस कर देंगे जितना बचेगा उतना ही अमाउंट वो रिमबर्स करेगा ये अमाउंट ड्यू लिख सकते हो या फिर फाइनल सेटलमेंट भी लिख सकते हो टू लैख एट्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी आ रहा है ये हो रहा है नाइन लैख नाइन लैख का सेल हुआ था बाकी सब एडजस्ट करने के बाद टू लैख एट्टी थ्री सेवन फिफ्टी मिलेगा एब लॉस अकाउंट एब नॉर्मल बाई साइड में है तो टू कंसाइनमेंट हो जाएगा टू कंसाइनमेंट ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी लेकिन यहाँ पर हमें क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से और क्लेम का अमाउंट जो है वो है फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम मिला है हमें फिफ्टीन थाउजेंड तो बाई पीएल बाकी ट्वेंटी वन टू फिफ्टी का मेरा लॉस हुआ था लेकिन क्लेम से सिर्फ रिकवर हुआ पंद्रह तो हजार के अलावा भी इनका तो अपना बिजनेस तो होगा ना उसका ट्रेडिंग पीएल तो ये लोग बनाते ही होंगे तो उस ट्रेडिंग पीएल में इसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे बाईपीएल सिक्स थाउजेंड आएगा ठीक है बाईपीएल तो इस तरह से अगर इंश्योरेंस क्लेम आएगा तो हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोगों ने दो टाइप का सम्स किया एक बैड डिप्ट वाला एक नॉर्मल ठीक है और अगर डेल क्रेडियर होगा तो वहां पर बैड डिप्ट अपियर नहीं करेगा ये तुम लोग को समझना है ठीक है अगर क्वेश्चन में कभी भी डेल क्रेडियर कमीशन दे तो बैड डिप्ट को वहां हम लोग नहीं दिखाएंगे कमीशन का और एक कैलकुलेशन हो जाएगा विथ ऑर्डिनरी कमीशन के साथ तो ठीक है आज हम लोग इतना ही करते हैं और ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो हम तुम लोग को सेंड कर देंगे क्लास <coughs> ओवर हो गया तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछो <coughs> <coughs> तो बाय <coughs>